हमने बहुत ही अजीबोगरीब काम कर रखे हैं। पार्टी के अंदर कंप्यूटर बना रखा है, मोबाइल के ऊपर साइबर पंक चला रखी है, फोन को हवा में उड़ा रखा है। बट ये दोस्तों जो आज करने जा रहे हैं, गाड़ी के साथ जो ब्रूम ब्रूम होगा और वो हम एक कंट्रोलर से करेंगे, ये अभी तक हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा नर्वस। जितनी चीजें हमको रिक्वायर्ड है, रास्पबेरी पाई, उसके बाद ये कार चार्जर, ऑफकोर्स रिमोट कंट्रोल और ये वाला मजे करने के। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कार्स अब जो आ रही है वो ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स अंदर इलेक्ट्रिक ही हैं। स्टार्ट करने के लिए भी पहले चाबी घुमानी पड़ती थी, बट अब बस एक बटन दबाना होता है, वो भी एक इलेक्ट्रिक स्विच है। और जो एक्सल है, फिर क्रैंकशाफ्ट है, मोटर है, ये सारी चीजें ईसीयू में इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करी जा सकती है। पर आप लोगों को अगर याद हो, हमने रास्पबेरी पाई अनबॉक्स करा था, ये वर्ल्ड का सबसे छोटा कंप्यूटर है और इसी कंप्यूटर को हम अटैच कर देंगे। आप लोग सोचोगे रिमोट से चलाने में कंप्यूटर का क्या काम। देखो ये हमारा रास्पबेरी पाई है दोस्तों, रास लिख देंगे इसको। ये हमारी गाड़ी, ड्राइंग अच्छी नहीं है दोस्तों, लेकिन फिजिक्स वेरी हाई। मैं आईटी इंजीनियर था, बट सार्थक तूने क्या कर रखी है? ऑटोमोबाइल इंजीनियर। उसमें तुमको थोड़ा ज्यादा बताओ कि हम भाई इसमें कैसे कनेक्ट करें कि वो गाड़ी ऑटोमेटिकली हमारी कंट्रोलर चल जाए। रास्पबेरी पाई को आप क्रैंकशाफ्ट से मैप करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद ये वाला जो है इसको एंड्रॉइड ऑटो से कोड करोगे तो मैप करके वो वायरलेसली चल जाएगा। तो बेसिकली स्पार्क प्लग में करंट पास होता है, उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट होती है। तो रास्पबेरी पाई के थ्रू आप चार्ज ट्रिगर कर सकते हो, उससे इंजन स्टार्ट हो जाएगा। जसकीरत भाई ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, अगर हमको एंड्रॉइड ऑटो का कोई प्लगइन हम फ्लैश कर सकते हैं इसके थ्रू, जैसे वो हमने रास्पबेरी वाली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने रास्पबेरी ओएस के साथ फ्लैश करा था, उसमें अपने एंड्रॉइड ओएस भी हमने फ्लैश करा था, तो एंड्रॉइड ऑटो का भी एक सिमिलर ओएस आता है जिसे हम फ्लैश करके हम वैसे सिमिलर वे में हम ट्राई करेंगे। तो दोस्तों ब्रूम ब्रूम हो गया है हमारा रेडी। मैं इस पर समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों प्लान ये है कि हमारी गाड़ी है, ये उसके पहिए हैं और ये हमारा इलेक्ट्रिक कार बन रही है। ये वाला जो कार चार्जर होता है हमने उसको खोल के इससे कनेक्ट कर देंगे रास्पबेरी पाई को, फिर हम डायरेक्टली एंड्रॉइड ऑटो यूज कर पाएंगे। उसके बाद करेंगे रास्पबेरी पाई को कनेक्ट करेंगे हुड खोल के फ्यूज बॉक्स में, और सेम रास्पबेरी पाई को हम अंदर कनेक्ट कर देंगे इसके थ्रू, और स्पार्क प्लग से गाड़ी अगर चालू हो जाए तो थ्योरेटिकली ये सारी चीजें काम करनी चाहिए। सुनने बहुत आसान लगता है, लेफ्ट करो तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट करो तो राइट हो जाएगा, बट इतना आसान होता नहीं, क्योंकि इसके राइट को हमको प्रोग्राम करना पड़ेगा कि भाई टायर कितने डिग्री राइट में घूमेगा, और सेम चीज ट्रिगर्स के लिए भी करनी पड़ेगी। लाल बत्ती हमारी जल गई है रास्पबेरी पाई की। अभी हमने बेसिक चार प्रोग्राम में लिखे हैं, एक स्टार्ट करने वाला, एक आगे बढ़ने वाला, एक रिवर्स जाने वाला और एक स्टीयर वाला। इन सबको यूज करके मेरे हिसाब से काम चल जाना चाहिए। बट भाई एक्साइटमेंट हो रही है, रुक जाओ थोड़ा सा। सारी हमने पाइथन में करी थी क्योंकि पाइथन में काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसमें रिसीव और डिकोड वाला फंक्शन डाल दिया, होपफुली काम कर जाना चाहिए। मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ, ट्राई करके देखते हैं पता चल जाएगा। चलो जितना इक्विपमेंट, जितनी तार है, सब कुछ ले आए हैं फ्रेंड्स, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कंट्रोलर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप, हमने बेसिक दो तारे डाली हुई है, ग्रे कलर वाली है, ये क्रैंकशाफ्ट और एक्सल के लिए डाली हुई है, ये वाली वैसे ईसीयू के थ्रू होके जा रही है, और ये जो ब्लैक वाली है ये हमारी स्पार्क प्लग की वायर। दूसरे को भी कर दिया कनेक्ट, इस वाले को अंदर की साइड से एक बार अगर कर दें। अब असली टाइम आ गया, जो हमने कोडिंग करी थी वो इस चिप के थ्रू हम ट्रांसफर कर देंगे इस कार में, होपफुली चल जाना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमने 12 वोल्ट वाले सॉकेट के अंदर डाल दिया, बट अब आ गया असली टाइम, हमने एक्स वाले बटन को मैप कर रखा है गाड़ी स्टार्ट होने से, होपफुली हो जाना चाहिए। 1 2 बहुत डर लग रहा है। हो नहीं रहा, हमने कुछ गलत कर सार्थक भाई, हो नहीं रहा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। एक बार अंदर से कनेक्ट करके देखते हैं। मेरे हिसाब से एक बार रास्पबेरी पाई से हम फ्लैश कर देते हैं डायरेक्ट अंदर, उसके बाद ये सारा सिंक में हो जाएगा, फिर मेरे ख्याल से चालू हो जाएगा एक बार। ये तारे बाहर की साइड से कनेक्टेड, अब इनको अंदर लेके हम गए हैं। ये जो व्हाइट वाली केबल है इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे रास्पबेरी पाई के अंदर तो मेरे हिसाब से ये ऑन हो जाना चाहिए। ओ जल्दी चलगी, रेड ग्रीन दोनों जल गई हैं भाई, प्रोग्रेस चल सकती है भाई, चल सकती है। इसका मतलब हमारा कनेक्शन बैठ गया, एक सेकंड में इसको फ्लैश करके हम वापस ट्राई करते हैं। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कार। दोस्तों क्या फ्यूचर के लिए रेडी हैं, सारी चीजें कर चुके हैं बढ़िया से, अब बस एक बटन दबाना रह गया। अब आ गया असली टाइम, 1 2 3 पे स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 भाई ऑन हो गई, भाई ऑन हो गई, रुक ऑफ कर दे। 1 2 ओ भाई ऑफ हो गई, रुक फिर से ऑन। एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट।
भाई मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, हमने कंट्रोलर से अपनी कार चला दी है। मेरे को पीछे से भी एक बार चला के देख, वो लाइट चल गई, लाइट चल गई। ओ भाई भाई रिवर्स लेके देखते हैं एक बार कैसा होता। बहुत ही हल्का हल्का सा ही हम करने की कोशिश करेंगे। ओ भाई रुक दे, अब फॉरवर्ड चलाते हैं, फॉरवर्ड चलाते हैं। 1 2 ओ भाई आगे जा रही है भाई। अब आ गया असली टाइम, थोड़ा राइड में निकलते हैं, एक्सेलरेट कर लेते हैं भाई, धीरे धीरे करेंगे एकदम। ओ भाई पीछे डर लग रहा भाई। एक गाड़ी आ रही है, फिर से लेफ्ट लेना पड़ेगा, रिवर्स लेके मोड़ लेते हैं, रिवर्स लेके मोड़ दे भाई, थोड़ा ट्रिकी होगा भाई, अंदाजा नहीं है। ओ भाई आगे से यू टर्न लेके, देखो 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 चल के आ रही है भाई, गाड़ी चल के आ रही है, ऑटो गाड़ी हो भाई। ओ फ्रेंड भाई सामने बता जाना। ओ भाई रुको एक बार, रैप फिर से ट्राई करेंगे। ओ भाई फिर चढ़ चढ़ चढ़। अब रेडी हो गए दोस्त आखिरी पड़ाव के लिए, हमने रेडी कर लिया, मैं गाड़ी के अंदर बैठ के चला के देखेंगे। ओ कैसी चल रही है भाई गाड़ी, स्टीयरिंग हल्का सा लेफ्ट हल्का सा राइट। ओ भाई ये इम्पॉसिबल सी चीज है जो हम कर पा रहे हैं। बॉबल चल लेते भाई, बहुत खेल लिया भाई, ज्यादा रिस्क भी नहीं लेते भाई, टर्न लेना पड़ेगा, टर्न थोड़ा ट्रिकी रहता है क्योंकि टर्न पे ना जॉयस्टिक हमारी उस हिसाब से हमने वो नहीं कर रखी, एंड में बस पार्किंग कर दी जाए। ना मुझे ज्यादा रिस्क ना, तो पार्किंग ओ भाई चलते चलते भाई हमने पार्किंग कर दी है फाइनली, एकदम परफेक्ट पार्क हो गई है भाई। भाई हमारी कार, हमने भाई अपनी जॉयस्टिक से इस कार को चला दिया है भाई, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस था, हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम कर पाएंगे, बट भाई आज दिन अच्छा था थोड़ा। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, हमने काफी ज्यादा मेहनत करके काफी टेक्निकल चीजें करने की कोशिश करी, काफी जादुई सा मजा आ गया, होपफुली आप लोगों भी अगर आप तो लाइक करते हैं सब्सक्राइब दूसरे चैनल को, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पर इस वाले को आप एंड्रॉइड ऑटो से मैप करके इस वाले की मैपिंग कैसे कैसे तुम्हें कुछ प्लान करेगा, प्लग और क्रैंकशाफ्ट जब मैप करोगे। फर्स्ट टेम्परर के हिसाब से भाई बहुत हो गया भाई, अब और नहीं करते।